एवरीवन, वेलकम बैक टू नफी रेसिपीज़। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप कैसे एगलेस और विदाउट ओवन चॉकलेट स्पॉन्ज बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रोफोलाइट का प्रीमिक्स यूज़ किया है। देखिए, यहाँ पे मैंने 3 कप प्रीमिक्स यूज़ किया है क्योंकि मुझे 2 पाउंड केक बनाना है। अगर आपको 1 पाउंड केक बनाना है तो आप 1.5 कप प्रीमिक्स यूज़ कर सकते हैं। प्रीमिक्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैं ऐसे रबर बैंड की मदद से इसे स्टोर करती हूँ और ये आपको करीबी मार्केट में 200 में मिल जाता है। यहाँ पे मैंने अगर 3 कप प्रीमिक्स यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे 3 कप ऑयल यूज़ करना है। अगर आप 1 पाउंड केक बनाएंगे तो आपको 1 कप ऑयल काफ़ी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 कप पानी यूज़ किया है। आप 1 पाउंड केक में 1 कप पानी यूज़ करना, ठीक है। को अच्छे से पूरा मिक्स करना है जब तक इसमें लम्स ना रहे। उसके बाद ये आपको विदाउट ओवन में कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही ईजी वे बन जाता है ये। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हमारा बैटर जो है वो पूरा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने टिन यूज़ किया है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। उसके बाद आपको इसे 30 मिनट्स तक गैस में, आपको कोई भी पतीले या डेगची वगैरह में आप इस केक को बना सकते हैं। लो फ्लेम में बनाना, 30 मिनट्स तक ये बन जाएगा। उसके बाद मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा कट हो जाता है, बट यार मैंने इसे ठंडा कर लेना अब याद से, मैं इसे थोड़ा ठंडा करने भूल गई थी। प्रीमिक्स का केक इतना ज़्यादा टेस्टी होता है ना यार, मेरे जितने भी कस्टमर हैं मेरे केक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। आप भी ये बनाकर बिल्कुल ट्राई करना, देखना ये बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे वे में बन जाता है। पे आपको बहुत सारे शॉर्ट्स मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने फोंडेंट कैसे यूज़ करना वो बताया है। बहुत सारे केक की डिज़ाइनिंग भी दी है। आप नए हो तो मेरे शॉर्ट्स आकर ज़रूर देखना। और देखो यार, इतना फ्लफी बना है ना ये स्पॉन्ज। मुझे कमेंट करके बता सकती हो कि आपको कौन सी केक की रेसिपीज़ देखनी है, फोंडेंट कैसे यूज़ करना है अगर वो देखना है। कमेंट में यार मेरे साथ जुड़े रहना। आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे देखो मैं केक की कटिंग कर रही हूँ, पर मैं ना जल्दी वीडियो के चक्कर में इस केक को जल्दी से कटिंग कर दी। इससे आप ठंडा करके कटिंग करना। ये थोड़ा मुझसे थोड़ा सा टूट गया यार, कोई बात नहीं है, गलती हो गई। आप थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेना, उसके बाद ही करना। को दूसरी लेयर भी कट करके दिखा रही हूँ। देखो मैं इसको साइड से दिखा रही हूँ क्योंकि ना ये भी थोड़ा सा मुझसे टूट गया था, वो मैं सेटअप कर लूँगी सही से। इसे मैंने टर्न आउट करके निकाल लिया है। उसके बाद पता है यार, ये केक जो मैं बना रही हूँ ना वो कार केक और जंगल थीम पे है। अगर आपको इसका पूरा शॉर्ट्स देखना है तो वो मैंने चैनल पर अपलोड करूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आपको बहुत सारे केक की रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत सारे मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं, ठीक है। लोग मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे प्लीज़ ऐसे ही प्यार सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग।